वेलकम बैक टू मॉडल व्लॉग गाइस। सो उम्मीद करता हूं आप सब पास होंगे। तो यार देखो यार, आज हमारा भाई यार थोड़ा सा ना यार, मतलब यार हल्ला गुल्ला यार हल्का होने वाला है, क्योंकि यार थोड़ा सी यार तबीयत थोड़ी नासाज सी चल रही है ऐसे ही। मैंने कुछ तो यार मेरा यार बिल्कुल मन नहीं कर रहा था ब्लॉग स्टार्ट करने का, लेकिन यार मजबूरन में यार मेरे को ब्लॉग स्टार्ट करना पड़ा। चल झूठा यार। एनीवेज वेलकम बैक हो गया तुम सबका एंड ब्लॉग के अंदर। तो अभी तक तुम लोग नहीं किए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, तो बड़ा बड़ा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पहली फुर्सत में निकाल। तो भाई यार आज मैं तुम लोगों को लेके जा रहा हूँ मोजपुर का भाई यार अल कुरेश, जिसका यार आप लोगों ने काफी ज्यादा नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस यार वो रेस्टोरेंट है। तो भाई यार महाप में निकला है कॉम्बो, तो भाई यार उसकी ही वीडियो कवर करने जानी है मेरे को। खैर मैं पर ही मिलता हूँ आप लोगों से, लेकिन यार आप लोग यार थोड़ा सा यार मतलब आप लोगों यार मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। देखो यार तुम्हारा भाई यार आवाज थोड़ी सी ऐसे ही निकल रही है, बड़ी मुश्किल से यार मैंने तुम लोग यार वेलकम बैक किया है। अच्छा खैर वहीं पर ही मिलता हूँ आप लोगों से अब। तो भाई लोग, तो आज तुम्हारा भाई पहुंच गया है यहाँ पे अल कुरेश फूड्स पे। ये देख सकते हो भाई यार किस तरीके का लेवल के यहाँ पे इन्होंने सीन क्रिएट कर रखा है। इसके एड्रेस के बारे में बताऊं तो यार आप लोगों को वैसे तो फुल डिस्क्रिप्शन में एड्रेस मिल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मौजपुर से यहाँ पे जैसे आप यहाँ पर आओगे इस वाले रोड पर, तो आप लोगों को यहाँ पे यार बड़ा सा एक रेस्टोरेंट देखने को मिल जाएगा अल कुरेश फूड। आइए, थोड़ी सी यार तबीयत थोड़ी सी हल्की फुल्की सी हो रही है, तो आप लोगों को उस तरीके का लेवल का एनर्जी लेवल नहीं मिलेगा। चुप करे। लेकिन फिर भी यार अपन यार कोशिश करेगा, एक बार यार अंदर चल के आप लोगों को दिखाता हूँ। चेक कर सकते हो कितना खतरनाक लेवल का इन्होंने यार सीन क्रिएट कर रखा है यहाँ पे, काफी बढ़िया लग रहा है मुझे तो यहाँ पे। एक बार यहाँ की यार सिटिंग अरेंजमेंट्स वगैरह देख सकते हो, यहाँ पे फैमिली वगैरह भी आराम से बैठ सकती है, यहाँ पे सब चीजें यहाँ पे आराम से बैठ के खा पी सकते हो। अभी फिलहाल आए हैं, आप लोगों को ऊपर का भी दिखाता हूँ कैसा हिसाब किताब रहता है, आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहो। यार मैंने आप लोगों को यहाँ का बिल्कुल यार ग्राउंड फ्लोर का यहाँ का इंटीरियर वगैरह दिखाया है, ये देख सकते हो यार काफी अच्छे लेवल का यहाँ पे कर रखा है। भाई ने भी मुझे बताया कि यार टू फ्लोर इसके ऊपर और है, वहां पे चल के अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और यहाँ से देख सकते हो भाई यार ऊपर जाने के यार एंट्री है, और यहाँ से फैमिली वगैरह यहाँ पे बैठ के आराम से खा सकती हैं, काफी अच्छे लेवल की यहाँ क्या सिटिंग अरेंजमेंट है। ये देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है, आराम से जो यार खाने के बैठने खाने के शौकीन है वो यहाँ पे आराम से तसल्ली से बैठ के खा सकते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया है। यहाँ पे आराम से बैठ के खाओ, लेट के खाओ, कैसे भी खाओ। ये भाई यार देख सकते हो काफी बढ़िया लेवल बना रखा है, जैसे पुराने अंदाज में बैठ के खाया करते थे ना, वैसे यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट बना रखा है। फ्लोर तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, अब बारी है इनके सेकंड फ्लोर को दिखाने की। ओए होए 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 होए, यहाँ तो लेवल क्रिएट कर रखा भाई। यहाँ पे यार हुक्के वगैरह का सबका जुगाड़ है, सबका यहाँ पे प्रबंध कर रखा है, यहाँ पे भी बैठने का अच्छी तरीके से जुगाड़ है, चेयर्स वगैरह भी हैं, टेबल्स भी हैं, यहाँ पे भी बैठ के आराम से खा सकते हो। हुक्के का यहाँ पे तगड़ा लेवल का जुगाड़ कर रखा है, देखो भाई यार अभी मैं भी दिखाऊंगा आप लोगों को, बेफिक्र रहो। भैया थोड़ा सा ना यार ऐसी यार तबीयत थोड़ी डाउन हो रही है, तो इस वजह से हलक से आवाज नहीं निकल रही तुम्हारे भाई की। बस काफी अच्छे लेवल का यहाँ पे यार इंटीरियर डिजाइन कर रखा है। यहाँ पे ये देख सकते हो भाई यार पुराने जमाने की कालीन वगैरह यार यहाँ पे लगा रखी हैं, मतलब काफी बढ़िया लेवल है यार ये। ये देखो माशाल्लाह अल कुरेश फूड्स, क्या बात है। एसी वगैरह लगा हुआ है, गर्मी का बिल्कुल भी एहसास नहीं होने का, मजा आएगा एकदम, आराम से बैठ के खा सकते हो। A few inches later. यार अभी यार यहाँ पे यार हम लोगों ने यार अपनी यार सीटिंग वगैरह देख ली है, यहाँ पे बिल्कुल आगे बैठ गए हैं। और यहाँ के बारे में बताऊं तो यार यहाँ पे यार हुक्का वगैरह पीते हैं लोग, यहाँ पे आके बैठ गए, तो इसलिए ना ये अलग सेपरेट बना रखा है। अब यार यहाँ पे आगे बैठे हुए हैं, हुक्का वगैरह तो चलेगा ना भाई साहब, दिखाता हूँ ना आप लोगों को। एक्चुअली क्या है, मैंने इनका एक कॉम्बो निकला है, वो 1947 से रिलेटेड है, वो यार मतलब यार 1947 बोले तो कि 15 अगस्त आ रही है उसी के रिगार्डिंग यार इन्होंने यार कॉम्बो निकाला है, वो यार मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि उस कॉम्बो के अंदर क्या क्या है। उसका प्राइस होने वाला है 1947, जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, तो वही उसी के बेस पर ही यार इन्होंने MRP रखी है 1947। अभी आता है ऑर्डर वगैरह, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। बस यार देखो यार थोड़ा सा यार एनर्जी ऐसी लेगी रो, आज तो यार एडजस्ट करना पड़ेगा आप लोगों को। यहाँ पे यार अपन लोग का यार सारा ऑर्डर वॉर्डर आ गया है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ मैंने यहाँ पे क्या मंगाया है। तो भाई हमारे लेकर आए हैं यहाँ पे, तो मैं आप लोगों को एक बार यार दिखा देता हूँ। ओए होए होए होए, ये इनकी है चिकन मंदी,
भाई साहब क्या तो लेवल है। और यहाँ पे अभी जस्ट यहाँ पर आया है इनका शाही कुनाफा, लोग आ गए हैं भाई। यहाँ पे देख सकते हो भाई यार मोजिटो आ गए हैं भाई यार, काफी ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं। यहाँ पर सर्व कर दिए गए हैं मंदी के साथ साथ यहाँ पे मोजिटो को भी मंगाया गया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये देख सकते हो भाई यार इनकी यार चिकन मंदी, भाई यार मजा आने वाला है भाई यार, मतलब यार इतनी लजीज लग रही है। अभी मैं बिल्कुल नहीं खाने वाला, आप लोगों को बिल्कुल दिखाऊंगा अच्छे तरीके से, एक बार आप लोग यार देखो। ओए होए होए हो भाई यार इनकी यार मेरे पास यहाँ पे आ गई है चिकन मंदी, जिसके अंदर भाई यार देख सकते हो ये कबाब है, ये कबाब है, काफी ज्यादा मतलब ड्राई तो नहीं है, थोड़े बहुत जूसी हो रहा है इनके ये कबाब। इसके अंदर आप लोगों को थोड़े काजू देखने को मिलेंगे। और इनका यहाँ पे ये देख सकते हो वी लव अल कुरेश फूड, क्या बात है। इनका ये चिकन है, इनके यहाँ पे थोड़ी बहुत सलाद वगैरह इन्होंने यहाँ पे बिखरा रखी है, दिखने में काफी ज्यादा लजीज लग रही है। खा के बताता हूँ आप लोगों को कैसा टेस्ट रहता है इसका। यार यहाँ पे यार अपन लोगों का सारा खाना पीना रेडी हो गया है, तो सबसे पहले मैं टेस्ट करने वाला हूँ उनकी चिकन मंदी को। एक बार आप लोगों को नजर दिखा देता हूँ, ये देखो भाई यार किस तरीके का लेवल है। यहाँ पे कबाब शबाब भी है एकदम भाई यार, थोड़े बहुत जूसी भी है, थोड़े बहुत ड्राई भी है, क्या तो लेवल बना रखा भाई। और ये रही इनकी चिकन मंदी, जिसको भाई यार मैं ऐसे तोड़ूंगा और फिर चावलों में यू लूंगा। और ये देख सकते हो भाई यार थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स भी इसके अंदर रहेंगे। और मैं लेने वाला हूँ भाई यार अपनी बड़ी सी बाइक। ओए होए 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 मजा आया। ये है इनका कबाब जो कि काफी ज्यादा लजीज है, और चिकन मंदी में तो मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आ गया। और यहाँ पे इनकी देख सकते हो इनकी चिकन है जो कि काफी ज्यादा लजीज लग रहा है, काफी ज्यादा ड्राई नहीं है, जूसी बहुत ज्यादा है। तो ये देखो भाई लोग, ये मैं खाने वाला हूँ अपनी सी, अपनी हमेशा की तरह बड़ी सी बाइक लेके। एकदम लाजवाब मंदी है, मजा आ गया। तो भाई यार इतना सब कुछ यहाँ पे आप लोगों को मिल रहा है 1947 में कॉम्बो, मजा आ गया। और इस तरीके के लेवल में यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा कॉम्बो, मजा आ जाएगा। एक बार दिखा दूं यहाँ का एनवायरनमेंट कितना बढ़िया लेवल का है, देखो। और माशाल्लाह से बहुत अच्छी वाइब आ रही है यहाँ पे, मजा आ रहा है एक नंबर। और यहाँ पे मंदी में तो भाई यार मुझे बहुत ज्यादा लेवल का मजा आ गया है सीरियसली। भाई लोग मैं यहाँ पे बिल्कुल अकेला नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर आया हूँ अपने नन्हे से मुन्ने से प्यारे से क्यूट से भाई के साथ, जो कि भाई यार यहाँ पे खा रहा है अभी इनकी भाई यार मंदी। तो कैसी लग रही है शादू तुम्हें मंदी, ऐसे ही बताना बिल्कुल। माशाल्लाह से बहुत अच्छी लगी, चुप कर पे कुत्ते, बहुत अच्छी लग रही है। तो ये चश्मा मेरा पहन कर आया हुआ देख रहा हूँ यहाँ पे भाई यार, फ्लैक्स कर रहा है यहाँ पे, देखो भाई यार स्टाइल मार रहा है यहाँ पे, चश्मा पहन कर आया हुआ मेरा। अगर आप लोगों को भी जानना है कि ये चश्मा कहाँ से लिया है, तो यहाँ पे आई लिव का यार ब्लॉग आ रहा होगा, आप लोग जाके देखो। उक्का ये आप लोगों दो मोजिटो, और ये कुनाफा शाही कुनाफा जो भी मैंने बिल्कुल टेस्ट नहीं करा, और ये इनकी चिकन मंदी, ये सब आप लोगों को मिलेगी 1947 रुपए की। ये कॉम्बो बहुत ही बढ़िया लेवल का है, अगर आप लोग इनका जो कॉम्बो लोगे नॉर्मल डेज में आगे, तो भाई यार आपको ये कॉम्बो पड़ेगा 2600-2700 रुपए तक का। लेकिन ये वाला कॉम्बो पड़ रहा है, ये वाला कॉम्बो 1947 रुपीज का, सिर्फ इंडिपेंडेंस डे की खुशी में। इनकी चिकन मंदी की बात करूं, बोटियां एकदम गली हुई है, ये देख सकते हो किस तरीके का लेवल है यार इनकी यार बोटियों में, एकदम यार बढ़िया, एकदम लाजवाब। देख सकते हो भाई यार किस तरीके का लेवल है इनका। भाई यार मुझे तो पता ही नहीं चला कब खत्म कर दिया मैंने, इतना ठंडा और इतना बढ़िया इनका मौजूदो था। और यहाँ पे माशाल्लाह से यार सारी यार अपन लोग यहाँ पे यार चिकन मंदी कंप्लीट हो गई है, बिल्कुल खा गए हैं। लेकिन बचा है अभी हमारा एक कुनाफा, ये देख सकते हो भाई लोग खा पी के सब चीज ज्यादा फारिक हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे रहता है इनका कुनाफा। इनका ये है भाई यार चीजी वाला कुनाफा है, एक बारी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ओए होए 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 क्या बात है यार, ये चीजी वाले कुनाफे की यार मैं लेने वाला अपनी बड़ी सी बाइक। तो भाई यार अमन लोग यहाँ पे सारा खाना पीना यार यहाँ पे डन हो गया है, बिल्कुल फारिग हो गए हैं। 1947 का कॉम्बो में मजा आ गया, आप लोग भी आ जाओ यार 15 अगस्त से पहले, और 15 अगस्त वाले दिन भी यार ये वैलिड रहेगा, तो मजा आने। अपने भाई यार अपना बिल्कुल खाना पीना खाकर यहाँ पे बिल्कुल फारिग होकर नीचे आ गए हैं। यहाँ पर आप लोगों को कुछ थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट वगैरह देखने को मिलेगा, या मिर्ची विर्ची लग रही है वो आराम से यार ये अंडे बच्चे खा सकते हैं सौफ वगैरह। यार अपन लोग यार बिल्कुल यार खा पी के फारिग हो गए हैं और निकल गए हैं। अगर यार आप लोगों को भी आना हो यहाँ पे, तो फुल डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को इनका एड्रेस मिल जाएगा। और 1947 वाला यार कॉम्बो लेना मत भूलना, और भाई यार बहुत ही मजा आएगा, हुक्का वगैरह भी है, बिल्कुल आके ट्राई करना। यार मैं यही पर ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ, आप लोग कैसे लगा मुझे कॉमेंट में जरूर बताना। बाकी मिलता हूँ ना यार मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, अब तक के लिए।